सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं टीम इंडिया के न्यूज़ से। कल इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच में टीम इंडिया को शानदार जीत मिली। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया एशिया कप के फाइनल्स में पहुंच चुकी है। दुनिया पे एक और अपडेट है, इंडिया गिव श्रीलंका एन एल टू स्नैप देयर 13 विन स्ट्रीक। कल टीम इंडिया ने श्रीलंका को हरा कर क्योंकि 13 लगातार मैच जीतने की जो विन स्ट्रीक थी उसको तोड़ कर रख दिया है। अब 14 सितंबर को पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का मैच है, जो भी उस मैच को जीतेगा वो इंडिया से फाइनल खेलेगा। अगर मैच बारिश की वजह से खराब होता तो श्रीलंका की टीम ही फाइनल पहुंचेगी, पाकिस्तान रन रेट की वजह से बाहर हो जाएगी। नेक्स्ट बात करने वाले बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बारे में, तो एक अपडेट सामने है। इन द एब्सेंस ऑफ मुशफिकुर रहीम, अनामुल बीजो में गेट ए चांस इन द प्लेइंग 11 इन बांग्लादेश लास्ट मैच। तो इस अपडेट सामने आया कि मुशफिकुर रहीम बांग्लादेश के लास्ट मैच में अवेलेबल नहीं रहेंगे। बताया जा रहा है कि उनके बच्चे का बर्थडे है उस दिन, जिसके चलते उनको प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि इनकी जगह पे अनामुल हक बिजोय को मौका मिल सकता है प्लेइंग 11 में। और आपको बता दें कि बांग्लादेश एशिया कप से एलिमिनेट हो चुकी है। नेक्स्ट बात करने वाले कुलदीप यादव के बारे में। कुलदीप यादव ने स्टार स्पोर्ट्स में कहा, आई एम वर्किंग ऑन माय बैटिंग, देयर्स वर्ल्ड कप कमिंग, सो इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू विन अ फ्यू मैचेस विद माय बैट। सो गाइस, उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैं अपनी बैटिंग पे काफी ज्यादा फोकस कर रहा हूं। उन्होंने बताया कि अभी वर्ल्ड कप आने वाला और ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि मैं अपने बैटिंग से टीम के लिए कुछ रन बनाऊं, क्योंकि नीचे के बैट्समैन द्वारा बनाए गए रन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इससे पहले गाइस हमें मोहम्मद सिराज भी नेट्स में बैटिंग करते हुए नजर आए थे। मतलब टीम इंडिया पूरा फोकस कर रही है कि उनको लास्ट तक बैटिंग का सपोर्ट मिले। नेक्स्ट बात करने वाले हैं वुमेन्स टी20 क्वालिफायर्स के बारे में। स्कॉटलैंड हैज वन द यूरोपियन टी20 क्वालिफायर्स, द डच वुमेन डिड बीट इटली बट द स्कॉट्स हैड अ बेटर रन रेट। तो नीदरलैंड्स की वुमेन्स क्रिकेट टीम ने क्वालिफाई कर लिया टी20 वर्ल्ड कप के लिए। इन्होंने बताया कि स्कॉटलैंड वुमेन्स का रन रेट इनसे बेटर था, इसलिए ये दोनों टीम टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए ग्लोबल क्वालिफायर्स में जाएंगी। नेक्स्ट बात करने वाले 2023 के वर्ल्ड कप के बारे में। सो एक अपडेट सामने आई है, न्यू आउटफिट इन अरुण जेटली स्टेडियम फॉर द 23rd ODI वर्ल्ड कप। 2023 के वर्ल्ड कप के लिए दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम का आउटफिट को चेंज कर दिया गया। आप फोटो में देख सकते हैं कि आउटफिट कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। सितंबर के महीने से सारे वार्म अप मैचेस शुरू हो जाएंगे, फिर अक्टूबर के महीने में वर्ल्ड कप के लीग मैचेस शुरू होंगे। नेक्स्ट बात करने वाले सुमन गिल के बारे में। सुमन गिल इज नाउ नंबर 2 रैंक ODI बैटर विद 759 पॉइंट, ही इज कमिंग फॉर द नंबर 1 स्पॉट। तो सुमन गिल ने काफी लंबी छलांग लगाते हुए सेकंड पोजीशन हासिल कर लिया ODI रैंकिंग का। बट इसे बताया जा रहा है कि अगर अच्छे परफॉर्मेंस के साथ ये बैटिंग करते रहे तो वर्ल्ड कप में शायद नंबर 1 पे भी आ सकते हैं। नेक्स्ट बात करने वाले 2023 एशियन गेम्स के बारे में। टीम इंडिया की तरफ से ये न्यूज़ आई है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट शिवम मामी है सस्टेंड एन इंजरी एंड इज लाइकली टू मिस एशियन गेम्स 2023। तो ऑफिशियल रिपोर्ट बताया जा रहा है कि शिवम मामी एक इंजरी की वजह से उनको रूल आउट कर दिया गया एशियन गेम 2023 से। और बताया जा रहा है कि इनकी जगह पे उमरान मलिक को शामिल किया गया एशियन गेम्स के लिए। टीम इंडिया के साथ उमरान मलिक ट्रैवल करेंगे एशियन गेम्स के लिए। एंड लास्ट बात करने वाले इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बारे में। सो क्रिकेट फैंस के लिए गाइस एक गुड न्यूज आई है, जियो सिनेमा विल स्ट्रीम इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज इन 4K फॉर फ्री। जियो सिनेमा ने ऐसा अनाउंस किया है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो सीरीज होने वाला है, इस सीरीज को जियो सिनेमा 4K में स्ट्रीम करके वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो क्रिकेट फैंस के लिए काफी अच्छी खबर है कि वो बेटर क्वालिटी में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सीरीज देख पाएंगे। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसा ही स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज जानने के लिए।